शेरशाह सूरी या शेर खान भारत में सुर राजवंश के संस्थापक थे। 1486 में जन्मे वो सासाराम बिहार के एक जागीरदार के पुत्र थे। इसकी इच्छा थी कि वो पूरे भारत पर राज करें, लेकिन इसके पास इतनी क्षमता नहीं थी और उस समय बाबर का राज था जो काफी शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण था। बाबर की युद्ध कला और शैली और युद्ध के दौरान हथकंडे समझने के लिए उसने चंदरी के युद्ध में बाबर के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। इस प्रकार वो बाबर के करीब आ गया और उसके युद्ध कला को समझने लगा। बाद में शेरशाह ने चुनार की विधवा शासिका से विवाह कर लिया और इससे मिले धन से एक बड़ी फौज खड़ी कर ली, लेकिन इसकी जानकारी बाबर के बेटे हुमायूं को लग गई और उसने चुनार पर हमले के लिए सेना भेजी। लेकिन शेरशाह ने बड़ी ही चालाकी से हुमायूं से संधि कर ली और उसे दिल्ली भेज दिया। कुछ सालों बाद फिर हुमायूं को शक हुआ कि शेर खां सेना के लिए हथियार घोड़े बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। उसने एक बड़ी सेना शेर खां पर हमले के लिए भेजी, लेकिन शेर खां वहां से भागकर बंगाल आ गया और बंगाल में तोड़फोड़ की। आखिरकार चौसा के मैदान में हुमायूं और शेर खां आमने सामने हो ही गए। हुमायूं से शेर शाह की ताकत का आकलन करने में बड़ी चूक हो गई, जिसका खामियाजा उसे हार के रूप में भुगतना पड़ा। चौसा के मैदान में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में शेर शाह के उत्तराधिकारी काफी कमजोर साबित हुए और हुमायूं ने वापस लौट कर भारत पर फिर से कब्जा जमा लिया।